Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamu alaikum. Repairing Hub YouTube channel में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। तो ये एक नाजरीन ऑसिलेटर पावर सप्लाई है। आज हम आपको बताएंगे कि ऑसिलेटर पावर सप्लाई को बोर्ड के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। तो आज हम आपको इसका तरीकाकार जो है वो बताते हैं कि ऑसिलेटर सप्लाई को सर्किट बोर्ड के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। वो सर्किट बोर्ड जिसकी पावर सप्लाई फेल हो चुकी है, जो वो वर्किंग नहीं है और रिपेयरेबल भी नहीं रही, तो उसमें उसको चालू करने के लिए, चलाने के लिए ऑसिलेटर पावर सप्लाई का सहारा लिया जाता है। तो आज हम आपको बताते हैं कि ऑसिलेटर पावर सप्लाई को कैसे कनेक्ट करें, कि बहुत ज़्यादा जो पुराने बोर्ड्स होते हैं टेलीविजन्स के, तो अक्सर उनकी पावर सप्लाई फेल हो जाती हैं, तो रिपेयरेबल नहीं रहती, तो उनकी जगह पे ये उसका मुतबादल तरीकाकार है और काफ़ी बेहतर भी है और सस्ता भी है। तो ये ऑसिलेटर पावर सप्लाई लगाकर जो हम उसको बोर्ड को दोबारा ऑन कर सकते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। बेसिकली इसकी तीन वायर्स होती हैं, ग्रीन, रेड और ब्लैक। ग्रीन जो है वो वोल्टेज कंट्रोल के लिए होती है, रेगुलेट करने के लिए, तो उसको लगाने की ज़रूरत होती नहीं है बेसिकली। तो लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी लगाने की। बेसिकली इसके दो तार ही हैं, ग्रीन सॉरी रेड और ब्लैक। तो आपने करना यही होता है कि उसकी जो पावर सप्लाई बोर्ड के बिल्ट इन पावर सप्लाई, उसका जो है पावर सप्लाई वाला मेन ट्रांजिस्टर, सिर्फ उसको आपने निकाल देना। उसको निकालने के बाद ये दो वायर्स हैं उसकी, एक ब्लैक को इसका 400 वोल्ट का कैपेसिटर है, उसके नेगेटिव पर लगा देना है, और जो इसकी रेड वाली वायर है उसको अपने कैपेसिटर की पॉजिटिव पर नहीं लगाना, ठीक है। अभी हम बताते हैं आपको कि कहाँ लगाना है। ये देखें, ब्लैक जो है वो नेगेटिव पर लग गई, और पॉजिटिव कैपेसिटर की पॉजिटिव देखें आप, यहाँ से होती हुई ये देखें, ये इसका चोपर ट्रांसफार्मर है जो वहाँ की पिन पर जा रही है, तो इस पिन पर इस तार को नहीं लगाना। दूसरी पिन जो होती है चोपर ट्रांसफार्मर की, जो उसका बिल्ट इन पावर सप्लाई वाला ट्रांजिस्टर होता है उसके कलेक्टर पॉइंट पर, वहाँ पर आपने इसको रेड वायर को लगा देना। सिंपली सा तरीका, बिल्कुल इजीली है। ये इसका वेरिएबल है वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए। तो अब ये हमने दो वायर से लगा दी हैं, तो अभी आपको इसको वोल्टेज चेक करके बताते हैं कि ये पावर ऑसिलेटर जो है वो काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। इसको अभी इसको बोर्ड के साथ ऑन करके इसको दिखाते हैं कितने वोल्टेज पैदा कर रही है। ये देखें, ऑसिलेटर सप्लाई जो है वो तकरीबन 57.8 वोल्ट जनरेट कर रही है। इस पावर सप्लाई जो इसकी बिल्ट इन पावर सप्लाई की आउटपुट लाइन है, जो 100 से 110 वोल्ट वाली जो लाइन होती है वहाँ पर ये 57 है, ये जो कि बहुत ही कम वोल्टेज हैं, तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। इसका हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं वेरिएबल के ज़रिए और फिर दोबारा चेक करते हैं वोल्टेज। ये देखें, थोड़ा सा वेरिएबल बढ़ाने से इसके वोल्टेज हैं वो 105.9 वोल्टेज हो गए हैं, ठीक है नाजरीन। ये अब जो है इसके वोल्टेज बिल्कुल पूरे हो चुके हैं, इस वोल्टेज पर जो है ये बोर्ड ऑन हो जाएगा। तो ये आपको इसकी ऑसिलेटर सप्लाई, और दूसरा इसका एक और नाम भी यहाँ पुकारा जाता है, इसको माचिस सप्लाई भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो शेप है वो माचिस की डिब्बी की तरह होती है, इसलिए आमतौर पर इसे माचिस सप्लाई भी कहा जाता है। तो मार्केट से बहुत आसानी से, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से ये मिल जाती है, बहुत ही काम की चीज़ है। और दूसरी एक आपको इसको फिट करने का जो तरीका है, इसकी जो पहले वाली हीट सिंक है जहाँ पर पावर सप्लाई का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, वहाँ पर इसको फिट कर देना चाहिए, और इसके अंदर एक इंसुलेटर होता है वो लाजमी लगाना है, उसके बगैर इसको फिट नहीं करना। नाज़रीन, अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।